हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर मिताली फ्रॉम एक्टिव प्लस. और आज हम सब लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट शोल्डर पेन. शोल्डर की जितनी भी दिक्कतें हैं, मैं उनके बारे में आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज है, जो शोल्डर पेन है वो क्यों हो सकता है? किसी भी रीजन की वजह से, चाहे आप वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हो या आप हाउसवाइफ हो, आपने कुछ उठा लिया है, एनीबॉडी, कोई भी चीज जब आपकी हिल जाती है शोल्डर में, तो उसकी वजह से शोल्डर पेन आ सकता है. अब वो क्या क्या चीजें हैं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. हमारे साथ यहाँ पे हमारे पेशेंट मिस्टर सूर्यांश हैं, ही इज अ वंडरफुल मॉडल एज वेल. इनके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या शोल्डर में प्रॉब्लम आती है और कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो शोल्डर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको शोल्डर में आती है, यूजुअली मेरे पास बॉडी बिल्डर्स जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं वो लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके रोटेटर कफ में कोई इश्यू आ रहा है. तो रोटेटर कफ क्या होते हैं? रोटेटर कफ चार मसल का ग्रुप है जो आपके शोल्डर को इस तरीके से पकड़ के रखता है, ठीक है. लेकिन ज्यादातर रोटेटर कफ इंजरी होने से पहले लोगों को, जो कि जिमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको एक्चुअली में बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस होता है, जिसकी वजह से पेन आता है. अब ये कौन सी प्रॉब्लम है? आपकी मसल यहां है, ये बाइसेप है. बाइसेप का लॉन्ग हेड जो होता है, लंबा वाला हेड, वो जाता है और इस तरीके से आपके शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से में इंसर्ट करता है. जब आप बहुत ज्यादा ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं हैवी, जिसमें योर अपना शोल्डर आपका बहुत पीछे जा रहा है और आप आगे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में जब आप बहुत तेजी से पंप करते हैं, तो शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से बाइसेप में यूजुअली इंजरी हो जाती है. आपको ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि आपको शोल्डर में मतलब आपको बाइसेप में पेन है, बट आपको ऐसा लगेगा कि मुझे शोल्डर में ही प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअली में वो बाइसेपिटल टेंडिनाइटिस है, बाइसेप की दिक्कत है, जो कि यूजुअली यहां फील होती है इस एरिया में, ठीक है. नेक्स्ट जो चीज प्रॉब्लमैटिक हो सकती है वो है आपका एंटीरियर, मिडल या पोस्टीरियर डेल्टॉइड मसल. सो ये जो राउंडनेस ऑफ शोल्डर आती है, ये हमारी एक मसल होती है जिसको डेल्टॉइड बोलते हैं, उसकी वजह से आती है. अगर इसका आगे वाला भाग बोले तो एंटीरियर डेल्टॉइड, मिड वाला पार्ट या फिर मिडल डेल्टॉइड, या पीछे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड, इन तीनों में किसी भी तरीके का स्पैज्म हो जाए, आपने एकदम से कुछ लिफ्ट किया, आप ओवरहेड मूवमेंट करो, एकदम से चनका आ गया, उसकी वजह से आपको शोल्डर में पेन हो सकता है. और ये शोल्डर पेन जब तक आप उस स्पैज्म को रिलीव नहीं करते तब तक जाता नहीं है. थर्डली, और शोल्डर की प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है? यूजुअली जब पेशेंट का अपर ट्रैप बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो ये मसल राइट हियर इज योर अपर ट्रेपेजियस, अगर मसल बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है तो आपके शोल्डर को हमेशा ऊपर खींच के रखेगी. आप ओवरहेड मूवमेंट कर रहे हो, यही सबसे ज्यादा एक्टिवेट होने लग जाती है. अगर शोल्डर में पेन आता है तो वो इसकी वजह से भी आ सकता है. नेक्स्ट, और शोल्डर पेन आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे शोल्डर में तो कोई पेन नहीं है पर मेरे हाथों में दर्द जा रहा है, वो भी शोल्डर की ही मसल की वजह से होता है. मैं आपको बताती हूं कौन सी, उल्टियों के लिए. इस पर यूजुअली जो शोल्डर में पेन एक और वजह से आ सकता है, जिसको हम जिन मसल्स को हम बोलते हैं टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर. आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ना ट्राइसेप में पेन जा रहा है, मेरे हाथ में नीचे दर्द जा रहा है, पर मुझे शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब मैं रात को सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे हाथ में अलग सी सेंसेशन इस तरफ चलती है, या मेरे पूरे हाथ में यहाँ पेन आ रहा है, तो वो यूजली होता है बिकॉज ऑफ दिस मसल कॉल्ड टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर. यूजली टेरिस माइनर, ठीक है. वो मसल कहाँ लोकेटेड है? आपकी ये शोल्डर ब्लेड है, ये शोल्डर ब्लेड के निचले हिस्से से टेरिस मेजर निकलती है, जो जाती है और इस तरीके से यहां आपके शोल्डर हड्डी पे लगती है, इस वाली हाथ की हड्डी पे लगती है, ह्यूमरस पे लगती है. दूसरी टेरिस माइनर है जो कि इधर इस एरिया से निकलती है, आपका शोल्डर ब्लेड है,
ब्लेड के बाहर वाले हिस्से से निकलती है और जाके इधर ही इंसर्ट करती है। दोनों मसल्स में इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली टेरिस माइनर आपका ये वाला हिस्सा दर्द करेगा। जब भी आपको कोई आपका कायरोप्रैक्टर इंस्पेक्ट करे, एग्जामिन करे, आपका फिजिकल थेरेपिस्ट इंस्पेक्ट करे या एग्जामिन करे, वो इधर छुएगा और आपको पेन आना शुरू हो जाएगा। एंड दिस पेन, ये जो दर्द आता है, ये आपको शोल्डर के आगे वाले हिस्से में भी महसूस हो सकता है अगर वो यहाँ प्रेस करे, या फिर वो आपके पूरे हाथ में आ सकता है, इवन उंगलियों तक भी आ सकता है। तो यूजुअली ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके शोल्डर पेन के। वन मोर जो चीज हो सकती है वो ये होती है कि आपकी एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं लिवेटर स्कैपुला, जो आपके शोल्डर ब्लेड के ऊपर वाले हिस्से में होती है और जाके गर्दन पे लगती है। कभी कभी जब ये मसल बहुत ज्यादा टाइट होती है तो आपको इन सारे एरियाज में डिसफंक्शन की वजह से पेन हो सकता है। प्लीज मीट योर फिजिकल थेरेपिस्ट, प्लीज मीट योर कायरोप्रैक्टर टू गेट ऑल दीज प्रॉब्लम्स फिक्स्ड। ये प्रॉब्लम्स एक मसल के डिसफंक्शन से होती है बट पूरा शोल्डर उसकी वजह से पेन होने लग जाता है। ऐसी प्रॉब्लम यूजुअली घर में बैठे बैठे ठीक नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट विद पीपल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।